अगर आपने अपना प्रॉपर्टी टैक्स जमा नहीं करवाया है तो समय पर ही जमा करवा दें, अन्यथा निगम के द्वारा कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। आपको बता दें कि प्रॉपर्टी टैक्स की रिकवरी को लेकर निगम सख्ताई के मूड में है। बताया जा रहा है कि अभी तक निगम के खजाने में 13 करोड़ रुपए आ चुके हैं। फिलहाल अभी तक बकाया कितना है इसकी पूरी जानकारी निगम को नहीं है, क्योंकि राज्य सरकार के निर्देशों के बाद एक बार फिर से सर्वे का काम किया जा रहा है। 70% काम पूरा हो चुका है। सर्वे का काम पूरा होने के बाद बकाया टैक्स का पता लग सकेगा। उस टैक्स की जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए वेब पोर्टल का सहारा लिया जाएगा। केंद्र के संस्थानों पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं सर्विस चार्ज लगेगा। समय पर अगर उन्होंने चार्ज अदा नहीं किया तो वह भी कार्रवाई से बच नहीं पाएंगे। इसके अलावा अब करनाल शहर में एक बार फिर से रात को सफाई का काम शुरू हो जाएगा। निगम के खजाने में जो टैक्स आएगा उससे शहर का विकास होगा। करनाल से तरुण मदान की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं हूं तरुण मदान और अभी समय देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। मैं आपको बता दूं कि इस समय हम मौजूद हैं नगर निगम कार्यालय में, और हमारे साथ बात करने के लिए विशेष तौर पर मौजूद हैं नगर निगम करनाल के कमिश्नर विक्रम जी। इससे पहले मैं आपको विशेष जानकारी दे दूं कि नगर निगम जो है टैक्स वसूली को लेकर अभी सख्ताई के मूड में आपको नजर आ रहा है, क्योंकि जब तक टैक्स नहीं आएगा जनता से तो निगम के खजानों को कैसे भरा जाएगा, और उसी खजाने के पैसे से करनाल को स्मार्ट सिटी की दौड़ में और भी आगे लेके जाना है। इसके लिए सभी का कर्तव्य बनता है कि इस समय पर टैक्स अदा करें। अब मौजूदा समय में क्या स्थिति है इसके बारे में जानकारी देंगे हमारे साथ मौजूद हैं जो नगर निगम के कमिश्नर विक्रम जी। विक्रम जी, सबसे पहले आपका स्वागत है समाचार एक्सप्रेस। जानना चाह रहा हूँ इस समय जो है प्रॉपर्टी टैक्स को लेकर नगर निगम की कार्रवाई कड़ी होती जा रही है दिन प्रतिदिन। सर, अगर हम ये पूछना चाहें तो पिछले कुछ समय में जो रिकवरी की जा चुकी है वो कितनी होगी? ऑलमोस्ट अभी तक हमारी 13 करोड़ के लगभग रिकवरी हो गई है। पिछले साल का अगर कुल देखा जाए तो पिछले साल मार्च तक 16 करोड़ के करीब रिकवरी थी। तो अभी हमने अक्टूबर में एक मुहिम के तौर पर शुरू किया था प्रॉपर्टी टैक्स रिकवरी करना, तो अक्टूबर में 10 दिनों के अंदर ही हमने 8 करोड़ रुपये रिकवर किए थे। तो इसके बाद में ये रिबेट की जो टाइमलाइन थी वो एक्सटेंड होगी, अब 31 दिसंबर तक टाइमलाइन है। तो अब भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। तो जो कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं, मकान वाले ऐसे हैं जो टैक्स नहीं दे रहे, उनके खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं। सीलिंग का भी कार्रवाई कर रहे हैं। पिछले 4 दिनों में ही हमने लगभग 1 करोड़ के लगभग रिकवरी करी है। कि अक्टूबर माह में एक मुहिम छिड़ी गई थी, पिछले साल की बात की जाए तो मार्च तक 16 करोड़ की रिकवरी की गई थी, अभी तक 13 करोड़ की रिकवरी की जा चुकी है। अक्टूबर माह में विशेष कार्रवाई की थी और मकान मालिकों को नोटिस दिए जा चुके हैं। जो समय पर टैक्स अदा करेगा उन्हें रिबेट भी मिलेगा, और जो समय पर टैक्स अदा नहीं करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के मूड में अब नगर निगम नजर आ रहा है। सर, अगर हम बात करें तो अभी तक फिलहाल कितनी जगहों को, कितने संस्थानों को सील किया जा चुका होगा? अभी क्योंकि वर्कलोड ज़्यादा होने की वजह से अभी एक दिन हम सीलिंग के लिए गए थे, तो 4 संस्थानों में पहुँचे थे। वहाँ पे जैसे ही पहुँचे थे उन्होंने मकान मालिकों ने टैक्स की अमाउंट वहीं के वहीं दे दी, तो इसलिए तब सील नहीं किए गए थे, पर आगे भी कार्रवाई 1-2 दिनों में आगे भी जारी रहेगी। सीलिंग के लिए गए थे तो लोगों ने टैक्स उस समय अदा कर दिए। हम समाचार एक्सप्रेस के माध्यम से जनता से अपील करते हैं कि नगर निगम को ऐसी कार्रवाई करने के लिए मजबूर न करें। यदि आपने टैक्स देना ही है तो इसे समय पर दें। सर, करनाल में कुछ केंद्र सरकार के संस्थान भी हैं, क्या उन पर भी कोई टैक्स बकाया है? केंद्र सरकार के जो संस्थान है उसमें सरकारी हिदायतों के अनुसार प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बनता, उस पर सर्विस चार्ज बनता है। वो तो वो कुछ संस्थानों का बकाया है, तो उन पर भी कार्रवाई की जा रही है। फिर बता दिया गया है, मैं आपको बता दूं कि करनाल में केंद्र सरकार के कुछ संस्थान है लेकिन उन पर प्रॉपर्टी टैक्स नहीं बनता। जो भी टैक्स बनता है, जो भी सर्विस टैक्स उन पर बनता है, उनसे वो वसूला जाएगा। समय सीमा उनको भी दी गई है, कानून सबके लिए बराबर है, इसलिए उनसे भी वो टैक्स जो प्रॉपर्टीज जो सर्विस चार्ज है वो उनसे लिया जाएगा और निगम के खजाने में भरा जाएगा। सर, अगर हम बात करें तो इस समय मौजूदा समय में कितने ऐसे डिफाल्टर होंगे कि जिनके ऊपर 5 लाख से अधिक की राशि बकाया है? कन्फर्म्ड ऐसे हैं जिसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ऐसे 20 डिफॉल्टर्स हैं जिनके पास 5 लाख के ऊपर बकाया है। सर, करनाल में सेक्टर 12 में 2 मल्टीप्लेक्स हैं, क्या उनके ऊपर भी कोई ऐसा टैक्स बकाया है, इसके बारे में कोई जानकारी देना चाहेंगे? इसमें एक बार चेक करना पड़ेगा कि स्पेसिफिकली आप किन की बात कर रहे हैं, तो अगर बकाया होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। सर, अगर हम बात करें अब नगर निगम द्वारा करनाल को और साफ सुथरा बनाने के लिए और स्वच्छ बनाने के लिए, स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, और कौन कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जो कि पाइपलाइन में है, ताकि निगम के खजाने में पैसा आएगा तो उस पैसे से हम नगर का विकास कर सकें? अभी पाइपलाइन में एक तो नाइट स्वीपिंग का जो कार्रवाई करनी है, उसके लिए नाइट स्वीपिंग
शुरू की जाएगी फिर से करनाल शहर में, वो है। इसके अलावा डे टाइम में लिफ्टिंग के लिए, कूड़ा लिफ्टिंग के लिए थोड़ी परेशानी आती है, तो उसकी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि जुलाई के महीने में ठेकेदारी प्रथा खत्म हो गई थी और जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं वो हमारे पेरोल पे आ गए थे, तो कुछ कर्मचारी उसमें पेरोल पे नहीं आ पाए थे, तो जिसकी वजह से सफाई की व्यवस्था थोड़ी बहुत चरमराई थी। पर हम अभी कोशिश कर रहे हैं आगे सफाई की व्यवस्था एकदम दुरुस्त की जाए। जनता टैक्स समय पर करे, पे करे, ताकि नगर का विकास हो सके, क्योंकि उसी पैसे से नगर का विकास होना है। इसके लिए आप जनता से क्या अपील करना चाहें? जैसा कि हरियाणा सरकार और हमारे सीएम साहब की निर्देश है कि हर कोई नगर निगम अपने बलबूते पे खड़ा हो, अपनी इनकम खुद ही जनरेट करे, तो ये इसी कड़ी में आगे मैं सभी शहरवासियों को अपील करना चाहूँगा कि वो अपना टैक्स जो भी है वो समय पे अदा करें, ताकि नगर निगम के पास में जो जो उनका बजट है वो सही से आगे यूज़ कर पाएँ उन्हीं के डेवलपमेंट के कामों में। पाँच लाख रुपए से नीचे जिनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है उनके खिलाफ क्या कार्रवाई का प्रावधान है? उनके खिलाफ भी आगे कार्रवाई की जाएगी, सीलिंग करने की जरूरत पड़ी तो सीलिंग भी करी जाएगी। पर मेरी सभी शहरवासियों से अपील है कि वह खुद आगे बढ़ के इस जो रिबेट स्कीम है 31 दिसंबर तक इसका फायदा उठाएं और 31 दिसंबर तक अपने सारे प्रॉपर्टी टैक्स क्लियर करें। देखने में आता है जब आप कार्रवाई के लिए जाते हैं तो कुछ लोग अपोज भी करते हैं, कुछ लोग बदतमीजी तक पर उतारू हो जाते हैं, लेकिन निगम का भी अड़ियल रवैया है, जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक वो उस जगह को छोड़ते नहीं। सर, ऐसे लोग जो ना तो समय पर टैक्स भरते हैं, उल्टा कार्रवाई करने जाने पर आपके अगेंस्ट भी खड़े हो जाते हैं, ऐसे लोगों से आप क्या करना चाहिए? मतलब कि उनको हम बैड एलिमेंट्स की कैटेगरी में डाल दें? इन सभी से भी मैं अपील करना चाहूँगा कि कृपया करके जो आपकी जो जितना भी ड्यूज बनता है वो टाइमली पूरा करें और जो सरकारी कार्रवाई है उसमें बाधा ना डालें। सर, अभी आपने मेरे से एक बात का जिक्र किया था कि जो कुछ सर्वे पेंडिंग है, सर वो सर्वे कब तक कंप्लीट होने का और कौन सी जगह का सर्वे जो है अभी पेंडिंग होना है? पूरे शहर का, बल्कि कहें पूरे हरियाणा में सभी शहरों का सर्वे किया जा रहा है, तो याशी कंपनी है तो उसके द्वारा किया जा रहा है। तो ये करनाल शहर में 70% इसका कार्य पूरा हो चुका है, 30% कार्य बचा है, वो भी जल्द ही पूरा करके फिर जितने भी नागरिक हैं सबको एक वेब पोर्टल के जरिए माध्यम से उनको बताया जाएगा कि उनका कितना टैक्स बनता है, कितना बकाया है, तो वो उस पर अपने ऑब्जेक्शन भी डाल सकते हैं। तो हमारा कयास ये है कि जल्द से जल्द ये सारे ऑब्जेक्शन वगैरह पूरे होके नए वाला सर्वे के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी टैक्स आ जाए। सर, टैक्स भरने की जो आपने समय सीमा निर्धारित की है, क्या उसके आगे बढ़ने के आसार हैं? अभी तक कोई इस बारे में जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। नगर निगम कमिश्नर विक्रम जी, मैं आपको बता दूं, उन्होंने विस्तार से जानकारी दी है कि कितना टैक्स अभी तक आ चुका है, कुछ जगह का सर्वे पेंडिंग है जिसकी वजह से वहां पर अभी काम अधूरा है, 70% सर्वे पूरा हो चुका है करनाल शहर का, 30% बकाया है, 30% का सर्वे पूरा होने के बाद वेब पोर्टल के माध्यम से उन्हें उनके टैक्स की जानकारी दे दी जाएगी। लेकिन एक बार फिर से इनकी अपील जनता से यह है कि वह समय पर अपना टैक्स अदा कर दें, नहीं तो निगम ने जो कार्रवाई करनी है जो कानून के अनुसार जो कार्रवाई बनती है वो की जाएगी। अगर सीलिंग करनी पड़ती तो सीलिंग भी करनी पड़ेगी। मैं तरुण मदन, सीनियर कैमरा पर्सन सनी चौधरी, समाचार एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lightning. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.